हेलो दोस्तों, एसएससी स्टेनोग्राफर वाले बच्चे ध्यान देंगे, उनके लिए खबर निकल के आई है वैकेंसी के बारे में। तो इस बार जो टोटल वैकेंसी है अभी तक की अगर बात करें, जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, काफी सारे यूट्यूब चैनल, जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है, एसएससी की इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे आरबी रिवोल्यूशन करके शुभम सर का एक यूट्यूब चैनल है, और एक आदित्य सर का एक यूट्यूब चैनल है जो मैथ के टीचर है। वहां से मैंने एक वीडियो देखी है जिसमें एसएससी की सभी वैकेंसी के बारे में बताया गया है कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी आई है। मतलब कुछ तो आ गई, अनाउंस हो चुकी है, कुछ आने वाली मतलब अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो आरटीआई के थ्रू ये जानकारी उन्होंने प्राप्त की है, तो वही जानकारी मैं आपको दे रहा हूं स्टेनोग्राफर की वैकेंसी के बारे में। तो इस बार जो अभी तक की जानकारी के अकॉर्डिंग लगभग 2100 कुछ पोस्ट आपकी बताई जा रही है स्टेनोग्राफर में, और ये एग्जाम होते होते जरूर आपकी पोस्ट बढ़ जाएगी। तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके, सारे के सारे सब्जेक्ट, जितने भी टॉपिक्स है, सभी सब्जेक्ट के अच्छे से कवर करो, अच्छे से पढ़ो। और बहुत जल्द मैं आपको लास्ट 1 मंथ की स्ट्रेटेजी पर वीडियो बना करके देने वाला हूं कि अब आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, थोड़ी सी बातें और बता देता हूं कि अब से आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट कर दो रीजनिंग का, उसको अच्छे से एनालिसिस करो, और जो टॉपिक आपसे नहीं हो रहा उसको अच्छे से पढ़ो। ये काम आपको रीजनिंग में करना है, क्योंकि आज मैंने हेड कॉन्स्टेबल का एग्जाम दिया है। उसमें देखिए, रीजनिंग इजी होती है, लेकिन जो लॉजिकल रीजनिंग होती है, जैसे नंबर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, फाइंडिंग नंबर, इसमें आपको लॉजिक लगाना पड़ता है। तो ये सीखने से नहीं होता, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करने होंगे। ठीक है, बाकी तो रीजनिंग हो ही जाती है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो नहीं हो पाते हैं। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, उन टॉपिक की एनालिसिस करो, प्रैक्टिस सेट लगाओ, एनालिसिस करो और प्रैक्टिस करो। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश देखिए, बहुत ज्यादा टफ इंग्लिश नहीं पूछी जाएगी जहां तक मेरा मानना है। तो अगर आपने अच्छे से कोई भी एक बुक कवर कर रखी है ग्रामर की, एक ही बुक, उसको बार बार रिविजन करो, सारे के सारे रूल्स बार बार पढ़ो, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप सोल्व करो। ठीक है, चैप्टर वाइज, जैसे नाउन पढ़ा आपने तो नाउन के क्वेश्चन सोल्व करो, प्रोनाउन पढ़ा प्रोनाउन के क्वेश्चन सोल्व करो। इस तरह से आप इंग्लिश की ग्रामर पढ़ो, और डेली आपको कम से कम 2 पैसेज रीडिंग करने हैं। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्लोज टेस्ट भी बहुत इजी था आज की अगर मैं बात करूं। ठीक है, तो वैसा ही आता है, स्टेनोग्राफर में ज्यादा टफ नहीं आता। तो डेली पढ़ो, कॉम्प्रिहेंशन के लिए पैसेज पढ़ो, क्वेश्चन करने की कोशिश करो। फिर उसके बाद जो है जीएस की अगर बात करें, तो करंट अफेयर आप लगभग आप जनवरी से लेके अगस्त तक, अगस्त सितंबर, कम से कम सितंबर तक आप मंथली करंट अफेयर पढ़ो। ठीक है, फिर उसके बाद आप इस तरह से पढ़ो लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर। एक तो आप मंथली करंट अफेयर पढ़ो, फिर यूट्यूब पर वीडियोज मिल जाती है लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर, तो उसमें आपको मतलब मैराथन वीडियोज मिल जाएगी, तो वहां से आप आसानी से कवर कर सकते हैं करंट अफेयर। प्लस आपको टॉपिक वाइज, जैसे इंडेक्स हो गया, अवार्ड्स हो गए, ठीक है, जो भी पद्म पुरस्कार हो गए, ये जो सारे खेल हो गए, तो एक इनकी टॉपिक की लिस्ट भी बना लेनी है, उसको अच्छे से नोट करके अच्छे से याद करना है। ठीक है, इस तरह से योजनाएं हो गई, योजनाओं से आज बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ऐसे आपको करना है करंट अफेयर। जीएस में आपको हिस्ट्री के काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पॉलिटी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अच्छे खासे, साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे, यानी लगभग सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे यहां पर जीएस में। तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है जीएस को भी। तो मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया, बाकी अच्छे से आपको परसों या उसके अगले दिन एक वीडियो बना करके दूंगा, वहां पर आपको अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी मैं बाहर हूं, तो 1-2 दिन में अपने रूम पर पहुंच जाऊंगा, फिर आपको जो है चीजें कंटिन्यू प्रोवाइड कराऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।